तो आज जो है अभी डीएस करके हम आ रहे हैं मथुरा लोकेशन पे, और मेरा जो है रूम भी चेंज हो चुका है। होटल जो था, जो मेरा रूममेट मिला था इस बार फिर से मथुरा में जो अकोमोडेशन ठहरने के लिए सैटरडे संडे मंडे का मिला था, वहाँ पे एक नशेड़ी पार्टनर दे दिया गया था, तो मैंने चेंज करवाया और पर्सनली ये मेरा रूम है, अकेला अलोन मैं हूँ। ठीक है तो गाइज अभी मैं जो हूँ डीएस पे से आ रहा हूँ। गाइज बहुत ही आज का दिन मेरा गंदा गया है, ये मेरा होटल रूम है और पर्सनली यहाँ पे अभी मैं खाना मंगाया हूँ, खाना खाऊंगा। एक्चुअली क्या हुआ, आज का हमारा 3 डेमो था, ठीक है 3 सेशन था, लेकिन मथुरा में हमें पता नहीं था कि यहाँ के लोग कैसे होते नहीं होते, और हम अलग शहर से आते किसी अनजान सिटी में, तो गाइज हमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन आज मेरा बहुत ही गंदा दिन गया, 3 डेमो था जिसमें से 2 इतना बेवकूफ़ बनाया कस्टमर ने, इतना घुमाया हमारे कैब को, गाड़ी को, ये वो फलान ठिकान, बहुत ही परेशान किया। अंत में जाके डीएस नहीं हुआ, एक डीएस हुआ भी था गाइज, उस पर हमने गया सेशन पर बैठा, उसके फादर ही नहीं थे। अब विदाउट फादर सेल होना मुश्किल है गाइज, सब कुछ समझा, उसके फादर तक वेट करते रहे, उसके फादर भी वही वैसे ही निकला मथुरा में। ठीक है गाँव जो था ये मथुरा का जो गाँव था, बता रहा हूँ मैं नाम क्या था, भूल गया, याद नहीं आ रहा है, नंदगांव है, नंदगांव का लोकेशन मिला था गाइज। ठीक है लेकिन गाइज आज का एक नया लेसन मेरे को सीखने को मिला, ये कि पहले क्या था कि हम बस सेशन बुक करने पे ध्यान देते थे, नहीं अब जो है हमें सेशन पोटेंशियल बना के बुक करना है, ताकि ऐसा हो सेशन जिसमें जाए और सेल हो जाए। ज़रूरी नहीं है 10 सेशन करो, 3 ही करो तुम, लेकिन ऐसे पोटेंशियल वाला करो जिसमें जाने से बैठने से कुछ हो सकती है, राइट, वो करना चाहिए हमें। और क्या बताऊँ गाइज, इतना थक गया हूँ ना, इरिटेट हो रहा है ना, क्या बताऊँ, मुझे भी खुद को शर्म आती है यार गाइज। बायजूस बहुत बड़ी कंपनी हंसती है यार, इतना कुछ हमको प्रोवाइड करा रही है, कैब दे रही है, गाड़ी दे रही है, विरुद्ध ये ट्रैवलिंग दे रही है, बताओ जो हम अपने पैसे खुद के दम पे इतना नहीं घूम सकते ना सिटी, उतना बायजूस में घूम लिए हैं। कभी ओयो में आके रहना 3 दिन 4 दिन, खाना पीना, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाना, अपने पैसे की बस की बात नहीं है, इम्पॉसिबल। लेकिन बायजूस दे रही है, किस लिए दे रही है, क्योंकि भाई वो हमें काम उस हिसाब से एक्सपेक्ट कर रही है। बताओ आज मुझे बहुत ही शर्मिंदा फील कर रहा था कि मैं किस बात का एम्प्लॉय हूँ, अगर मैं कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, उसके सेल रेवेन्यू जनरेट नहीं करके दे रहा हूँ, तो मुझे किस बात की सैलरी मिलना चाहिए गाइस। तो अपने आप में मैंने सोचा, बट कंपनी फिर भी आपको जो है कुछ समय देती है कि अपने आप को इम्प्रूव करे, अपने आप को बेहतर करे और काम करे, ऐसा नहीं है कि फायर तुरंत कर देती है। तो मैं ये आज अपने ऊपर जो है ऑब्जर्व किया गाइज, जो भी वीडियो में आ रहे हैं या फिर आने के आ रहे हैं, आज ये कोई इशू नहीं आइए, लेकिन वो कोर स्किल सीखिए जिससे जो है आपका सेल अग्रेसिव सेल निकले, ठीक है। और मैं भी, मेरे को भी लगा कि मुझे भी रिक्वायरमेंट है सेल स्किल जानने की, किस तरीके से और डेमो को अच्छे से बुक किया जाए। तो गाइज फाइनली मैं इसके ऊपर जो है एक और वीडियो बनाऊंगा एंड मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में गाइज, ठीक है। मेरा एकोमोडेशन ये है, तब तक देख सकते हैं ये होटल है, और अभी जो मैं अकेला हूँ, ठीक है, ये वॉशरूम मिला है, अच्छा सब कुछ एकोमोडेशन, हालांकि ये मेरा पहला दूसरा तीसरा चौथा एकोमोडेशन है, अब तक मेरे को 4 होटल में स्टे करने को मिल गया है 3-3 दिन, और जहाँ पे ऑफिस के नियर बाय जो मिला था स्टे करने के लिए 15 डेज के लिए, तो वो तो था ही था, जब डीएस पे जाते हैं तो वो अलग हमें मिलता है, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, कोई भी क्वेरी हो गाइज, आप लोगों की जॉब की नीड हो, प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा गाइज, मेरे पास रेफरल लिंक है जहाँ से आप लोग अप्लाई करेंगे, इजीली आपका इंटरव्यू हो जाएगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि अगर रेफरेंस के थ्रू आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो है ज़्यादा टफ इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। टिल द टाइम बने रहिए मेरे साथ, बाय बाय।